हेलो फ्रेंड्स, टेकिसा जी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, 10वीं क्लास के रिजल्ट्स के लिए काफ़ी काफ़ी जद्दोजहद चल रही है और आज सीबीएसई की तरफ से एक वेबिनार इसके ऊपर लॉन्च किया गया था। यूट्यूब पर भी उसको लाइव टेलीकास्ट किया गया था और डॉक्टर संयम भारद्वाज जी ने उसको बहुत अच्छी तरह से इस नई पॉलिसी के बारे में बताया। साथियों, काफ़ी लंबी वेबिनार थी, उसके शॉर्ट फॉर्म में आपको यहाँ पे बता दूंगा ताकि आप आसानी से इसको समझ पाएँ। साथ ही आपके जो FAQs हैं उस पर भी डिस्कस करेंगे और दूसरी बातों पर भी डिस्कस करेंगे। अतः आप अगर टैकी सर जी यूट्यूब चैनल पर अगर नए हैं, टैकी सर जी यूट्यूब चैनल अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें सर, सब्सक्राइब, ताकि आपको इस तरह की जानकारी यहाँ पर मिलती रहें। CBSE से रिलेटेड बहुत अच्छी खबरें यहाँ पे आपको मिलती रहें। तो आइए आज इसके जो वेबिनार में हुए थे बातें हम कर लें और उसके बारे में बात करेंगे। तो रिजल्ट्स इसके बारे में कैसे होगा, ये सारा का सारा प्रोसीजर है, पूरी की पूरी डिटेल है। आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर आपके जो 10 मार्क्स का यहाँ पर इंटरनल जो 20 जो इंटरनल आएगा और 80 यहाँ पर आएगा ईयर एंड असेसमेंट। तो यहाँ एक बात ध्यान से सुनिए कि जो 20 मार्क्स है ये आपको नहीं छेड़ना है अभी। 80 मार्क्स की ये सारी डिटेल जो है वो 80 मार्क्स के ऊपर है। 20 मार्क्स का जो इंटरनल है वो आपका जो सर्कुलर आया था मार्च 6, 2019 में उसके अकॉर्डिंग ये किया जाएगा। जबकि और ये दूसरी बात है, ये 11 जून तक ये अपलोड करने पड़ेंगे 20 मार्क्स के। और दूसरी बात है 80 मार्क्स की, तो यहाँ पर ये जो भी टेस्ट एग्ज़ाम कंडक्टेड, जो भी स्कूल के टेस्ट एग्ज़ाम किए गए हैं उसके आधार पर ये सारा का सारा होगा और ये परफॉर्मेंस होगी सभी बच्चों की। तो ये टोटल 20 प्लस में 80 बराबर में 100 मार्क्स आपका हो जाएगा। तो ये पहला पॉइंट आपका है। अब यहाँ पर कमेटी में देखिए, आपको हालांकि कमेटी 5 तारीख तक हो जानी चाहिए थी, लेकिन फिर भी अगर नहीं बनाई है तो आप इसको बना लीजिए, बैक डेट में बना लीजिए। तो ये है हमारा प्रिंसिपल एज ए चेयरपर्सन, ध्यान रखना। इसमें FAQs थे उसको साथ साथ हम क्लियर करते जाएंगे। साथियों, ये इंटरनल मेंबर हैं हमारे और ये एक्सटर्नल मेंबर हैं। अब ये कौन कौन हो सकते हैं, कौन कौन नहीं, इस बात में देखिए ध्यान से। तो ये हमारा मैथ्स का, सोशल साइंस, साइंस और 2 लैंग्वेज, यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी का आप ले लीजिए ताकि काफ़ी आसानी इसमें रहेगी। तो ये 5 आपकी यहाँ पर हो गए। एक्सटर्नल मेंबर भी आएंगे आपके 2, यानी कि नेबरिंग स्कूल से आपके आ सकते हैं। साथियों, इसको ध्यान रखना है कि जहाँ कोई मैनेजमेंट के स्कूल से हैं उनके ये मेंबर नहीं आएंगे, बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिए। या ऐसा नहीं है कि आपके स्कूल के वहाँ पे पहुँच गए उसके स्कूल से यहाँ पर आ गए, ऐसे भी नहीं, आपने इंटरचेंज करना है। दूसरी बात इसमें है कि जो भी कमेटी मेंबर होंगे उनके बच्चे 10वीं क्लास में नहीं होने चाहिए, 10th क्लास में वो अपीयर नहीं होने चाहिए, चाहे प्रिंसिपल हो या कोई भी मेंबर हो। अगर प्रिंसिपल का भी बच्चा पढ़ रहा है तो भी वो नहीं मेंबर होगा, ये ध्यान रख लीजिए। अगर प्रिंसिपल नहीं है तो वहाँ पे जो सीनियर मोस्ट हैं, PGT हैं, वो इसके मेंबर बन सकते हैं। साथ ही दूसरी और बात है, कई स्कूल्स में FAQs आए थे कि कई स्कूल्स में 5 टीचर्स भी नहीं है, तो कोई बात नहीं, जो ऊपर के सीनियर टीचर उनको पढ़ाते हैं तो वहाँ पर भी हो सकता है। इसमें एक और बात आई थी कि एक अगर जो एंट्री एंट्री जो करेंगे, डाटा एंट्री इसमें करेंगे, तो एक और 6ठे टीचर को भी इसमें क्या शामिल किया जा सकता है, अगर करते हैं तो क्या 1500 रुपये उसको भी मिलेंगे। तो इस पे भी संयम भारद्वाज जी ने कहा है कि इसके ऊपर हम बात करेंगे और इसको डिसाइड कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है ये कि अगर 6th जो टीचर है उसको एंट्री के लिए बुलाया जाता है तो वहाँ पर उसको 1500 रुपये मिलेंगे, इस पे बाद में डिस्कशन होगा। तो ये FAQs इसके साथ साथ हैं, तो आप इनको समझते चलिए ताकि आपको कोई दिक्कत इसमें ना हो। साथियों, बहुत आसानी से मैं इसको आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनिए। संयम भारद्वाज जी ने बिल्कुल क्लियर कट कहा कि कोविड की गाइडलाइन आपको करनी ही पड़ेगी, कोविड सबसे अहम है हमारे लिए, अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी वो सभी के लिए है। ईच एंड एवरी मेंबर शुड फॉलो कोविड रूल्स, आपको बचाना है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं भैया, मीटिंग कर सकते हैं ऑनलाइन,
जरूरी नहीं आपको स्कूल में जाने की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल भी सख्त हिदायत दी है उन्होंने। नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं लेकिन किसी एक की भी लाइफ हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। उन्होंने इसके लिए जो भी हमारे जो कोरोना वॉरियर्स, जो टीचर्स कोरोना वॉरियर्स थे, जो बेचारे भगवान को प्यारे हो गए कोविड की वजह से, उनके लिए उन्होंने एक मिनट का मौन भी कराया। देखो कितनी अच्छी बात है, वो सोचते हैं समझते हैं दुख दर्द को, टीचर्स कम्युनिटी के दर्द को। तो कोविड गाइडलाइन आपने पूरी अच्छी तरह से फॉलो करनी है, यहाँ प्रोटोकॉल आपने फॉलो करने हैं, आपका कंफर्टेबल जोन जो है वो आपने लगा के चलना है, कोई बाउंडेशन इसमें नहीं लगानी है। इवन ईमेल से भी आप वहाँ पर कर सकते हैं। अब बड़ी बात है कि आप जो है वो मेंबर्स तो आएंगे, वही साइन भी करने पड़ेंगे उनको, तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना है, केवल ईमेल से उनकी कंसर्न ले लेनी है भैया कि मैं कंसर्न दे रहा हूँ, मैं कमेटी मेंबर हूँ और मैं इसको डिसाइड करूँगा, मैं हो गया, तो उसकी कंसर्न वहाँ पर हो गई, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। मेन है आपका जो कोविड प्रोटोकॉल्स के नियम आपने ज़रूर मानने हैं और इसको फॉलो करना है। कोई भी टीचर यहाँ पर इन्फेक्टेड नहीं होना चाहिए, कोई भी मेंबर इन्फेक्टेड नहीं होना चाहिए। अब ये रूल्स हैं, कैसे फॉर्मेशन बनेंगे, मैंने मोटे मोटे रूल्स आपको बता ही दिए हैं पहले ही। तो यहाँ पर 10वीं क्लास टीचर शुड बी टीचिंग क्लास 10th, ये मैंने बताया आपको 10th क्लास है, लेकिन अगर टीचर अवेलेबल नहीं है तो वो कोई नहीं, एडजस्ट हो सकता है कंडीशन में, वो आपने नोट कर देना है, ईमेल भेज देनी है। तो इंटरचेंज बिल्कुल भी नहीं होगा, शुड नॉट सेम मैनेजमेंट, स्कूल मैनेजमेंट का नहीं होगा, ये सारे के सारे सेम कमेटी, ये सारा का सारा मैंने आपको बताया। सबसे बड़ी बात है कि आपको ये देखना कि कोई इन्फ्लुएंस इसमें ना हो, ताकि कोई बात ना उठे इसमें, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। आपका मेंबर आपका कोई भी नहीं होना चाहिए यहाँ पर, कमेटी मेंबर्स नहीं होने चाहिए। तो ये एक्सटर्नल मेंबर, दो मेंबर यहाँ पे होंगे और आपको मैंने बताया यहाँ पे 1500 रुपये जो हैं हमारे, 1500 तो सेम स्कूल वाले टीचर्स को मिलेंगे और जो बाहर से आएंगे उनको 2500 रुपये मिलेंगे एज ए कंपनसेशन कीजिए, या उनको जो है किसी भी तरीके से आप समझ सकते हैं। तो रूल्स फॉर्मेशन ऑफ द रिजल्ट कमेटी 2, भैया ये बात ध्यान से समझनी है आप सभी को कि अनफेयर, ये बिल्कुल अनफेयर नहीं होना चाहिए, फेयर आपका होना चाहिए, अनबाइज्ड होना चाहिए। किसी बच्चे के ऊपर आपका ये नहीं है कि हमें उसको ज़्यादा मार्क्स देने हैं, कम मार्क्स देने हैं। पूरा का पूरा पॉलिसी को सबसे पहले आप समझ लें, आपको इसके FAQs और भी आएंगे, वो भी टाइम टू टाइम आपको बताएंगे, वो बिल्कुल अच्छी तरह से समझ लिए, कॉमन अंडरस्टैंडिंग रखनी है आपने। अनदर कमेटी से भी डिस्कशन इसमें कर लेना है बार बार में, थोड़ा सा उनसे भी ग्राउंड रिलेटिव पे जाइए, ये थोड़ा सा काम इतना आसान नहीं है आप सोच रहे हैं। इसमें काफ़ी मॉडरेशन जो पॉलिसी बनाई है वो काफ़ी ही थोड़ी टेढ़ी रहेगी आपके लिए, तो उसको समझना है। ये बात ध्यान रख लीजिए कि अगर कुछ गलतियाँ आप करोगे तो आपका सॉफ्टवेयर पे अपलोड ही नहीं होगा मार्क्स। तो इन चीज़ों को थोड़ा थोड़ा ध्यान से रखिए और करिए और फ्रेम कीजिए, रेसनेट जो असेसमेंट के हैं वो कीजिए, शेड्यूल आप बना सकते हैं उसका और सारी की सारी चीज़ें हैं। अब ये डॉक्यूमेंट्स ज़रूर आपने बनाने हैं, जो भी प्रोसीडिंग करेंगे वो सारे के सारे। सबसे बड़ी बात है कॉन्फिडेंशियलिटी, आपकी कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए सारा काम, ऐसा नहीं कि सभी को पता है। और यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रोवाइड कराना है चेयरपर्सन जी को, प्रिंसिपल जी भी ध्यान से सुने, ये अच्छी तरह से सभी टीचर्स का ध्यान रखना अगर उनको वहाँ पे बुलाएंगे, ठीक है। फेयरनेस, जो भी बाहर से आएंगे उनका भी फेयरनेस, इक्वलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारी की सारी चीज़ें आपने ध्यान रखना है। कुल मिलाकर मतलब CBSE चाह रही है कि अच्छी तरह से काम करें आप, और ऐसा नहीं है कि हम 100 में से 100 मार्क्स आ जाएंगे हमारे सभी बच्चों के, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। CBSE ने काफ़ी इसमें सख्त रूल बनाए हैं और वो आसानी से मार्क्स नहीं देने देंगे, आपके एवरेज में भी रखेंगे। तो ध्यान रखिए इस चीज़ का, पहले से ही आप अपने कंट्रोल मार्क्स दीजिए। यहाँ पर आपके पीडियाट्रिक यूनिट टेस्ट के 10 मार्क्स यहाँ पर वेटेज में आएंगे, मान लो आपने कितने भी यूनिट टेस्ट लिए स्टार्टिंग में तो वो कन्वर्ट हो गए 10 में हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हाफ ईयरली मिड टर्म के एग्जामिनेशन भी 20 ये 30 मार्क्स के आएंगे आपके।
आपने कई दिए हैं कोई दिक्कत नहीं है, उसका मीन देख लीजिए या फिर वहाँ से कोई बेस्ट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बच्चों को होने दीजिए। प्री बोर्ड एग्जामिनेशन भी 40, यहाँ पे प्री बोर्ड के एग्जाम्स के 40% मार्क्स हैं, ये सारे 80 मार्क्स में से हैं। तो इस तरह से आपने ध्यान रखना है इस चीज़ का, ये मार्क्स का रिकॉर्डिंग कैसे करनी है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस है, ये एविडेंस बहुत ज़रूरी हैं, इनका मेंटेनेंस आपको रखना पड़ेगा, मेंटेन करो इसको सभी को। तो यहाँ पर आप देखिए कि इनके स्कूल हैव कंडक्ट मोर देन वन टेस्ट एग्जाम, यानी कि यूनिट टेस्ट उसने ज़्यादा ले लिए, प्री बोर्ड ज़्यादा ले लिए, या आपने उसने जो मिड टर्म के ले लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे वेटेज उनको एग्ज़ाम में दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कमेटी का डिसीजन है, और आपने राइटअप ज़रूर कर लेना हर चीज़ का, कुछ भी करो आप राइटअप ज़रूर करें उसका, डॉक्यूमेंटेशन एविडेंस उसका बना के रखें। स्कूल वर वन और मोर ऑफ अदर कैटेगरीज टेस्ट हैव नॉट बिन कंडक्टेड, कोई कंडक्ट नहीं किया है, तो यहाँ पर ऑनलाइन या ऑफलाइन उनका लेना पड़ेगा बच्चों का। तो ये भी है, कमेटी के ऊपर छोड़ दिया सारा काम कि कमेटी इसको करेगी, लेकिन जो भी करेगी वो थोड़ा सोच समझ कर करेगी। सम ऑफ द स्टूडेंट मे नॉट हैव अपियर्ड एनी सम ऑफ द एग्जाम, तो ये भी मैंने बात पहले डिस्कस की है कि नहीं आया तो वहाँ पे जो अपियर ही नहीं हुए, तो उनके लिए ऑनलाइन ऑफलाइन या टेलीफोन से भी आप ले सकते हैं। और इवन जो भी स्टूडेंट हैं हमारे, जो स्पेशल नीड्स वाले स्टूडेंट हैं, इवन उनको भी हम स्ट्रेस नहीं देंगे बच्चों के ऊपर। मेनली उन्होंने क्लियर कहा कि स्ट्रेस नहीं देनी है किसी भी तरीके से, और स्पेशल नीड स्टूडेंट से तो टेलीफोन पे 3-4 क्वेश्चन पूछ लो, ऐसा भी बोला सर ने, 3-4 क्वेश्चन पूछ लो और उसका राइटअप लिख लो और उसके मार्क्स दे दो। तो बहुत ही आसानी से उन्होंने किया है वर्ड्स में, और एविडेंस आपने ज़रूर रखने हैं इसको। तो अगर कोई भी नहीं हुआ है तो राइटिंग आपने रीजन जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने ज़रूर करना है, और क्लियरली मेंशन कर लें आप कि क्या दिक्कत थी वहाँ पे, अपीयर्ड ही नहीं हुआ है या टेक्स्ट मैसेज जो टेक्स्ट एग्ज़ाम नहीं दिया, तो ये सारा का सारा आपने राइटअप इसमें करते रहना है। तो यहाँ पे हिस्टोरिकल ये एग्जाम्पल और रेंज ऑफ मार्क्स ये आपने बहुत समझना है ध्यान से। तो हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस आपने देखनी है कि किसी ईयर में आपके कितने मार्क्स थे, फिर एग्जाम्पल आपने यहाँ पर ये एग्जाम्पल दिया कि 17-18 के 72% एवरेज बने थे, मतलब ये ओवरऑल स्कूल्स के एग्जाम एवरेज मार्क्स के दिए हैं यहाँ पर। तो अगर यहाँ पर 17-18 में 72 हैं, 18-19 में 74 हैं, 19-20 में 71 हैं, तो यहाँ पर आपके जो एवरेज होंगे 74 को लिया जाएगा, 74 को, तो इससे ज़्यादा आपके मार्क्स नहीं हो सकते, प्लस माइनस 2 इसमें यहाँ पर उन्होंने कहा है। इसी तरह से जो रेंज ऑफ मार्क्स है यहाँ पर भी प्लस माइनस 2 मार्क्स का दिया है, क्योंकि यहाँ पर कर सकते हैं। इसके अलावा जो 9th क्लास के जो मार्क्स हैं एवोल्यूशन है वहाँ से भी कुछ ले सकते हैं, तो ये सारा का सारा हमारा कमेटी पे डिसाइड करता है। तो यहाँ पर पूरे स्कूल के एवरेज, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल, वहाँ से आगे हम जा ही नहीं सकते, इन चीज़ों को बड़ा ही ध्यान से समझाया है उन्होंने, तो इन चीज़ों को आप ध्यान से देखें और समझें। अब यहाँ पर भी प्रोसीजर फॉर असेसमेंट ऑफ द फॉर द स्टूडेंट, यहाँ आपकी रेंज दे दी जाएगी कि आपके 26 से नीचे कितने हैं, 26 मार्क्स में पास होता है बच्चा, तो द बोर्ड विल प्रोवाइड द ब्रॉड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स अक्रॉस स्टूडेंट फॉर ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट और फॉर द स्कूल, तो ये बोर्ड यहाँ पे प्रोवाइड करेगा इस चीज़ को कि कितने मार्क्स थे उसके इस हिसाब से। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स इज बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द स्कूल इन द सब्जेक्ट इन क्लास 10th बोर्ड एग्जाम इन स्पेसिफिक रेफरेंस ईयर, यहाँ रेफरेंस ईयर भी आपको करने पड़ेंगे, और यहाँ आपका जो 19-20 का रेफरेंस ईयर माना जाएगा, तो यहाँ इस चीज़ को समझने की कोशिश है। तो ये यहाँ पे रेफरेंस आपको दे देंगे, ध्यान से समझना इस चीज़ को, मान लो 19 और 20 का ये रेफरेंस दे दिया इन्होंने, तो यहाँ पे 26 से जो कम है मान लो 1% आया है, 26 से 40 के 14%, 40 से 50 के 25%, 10%, 30%, ये सारे सारे आ गए हमारे, ये मार्क्स है ना कि परसेंटेज है ऊपर वाले। तो आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है 21-20-21 का 200 मार्क्स, 200 स्टूडेंट में अगर आप कैलकुलेट करेंगे, तो इसको देख लीजिए यहाँ पर,
तो यहाँ पर 1% का मतलब है दो स्टूडेंट इसके अंदर आए थे। तो ये है हमारा 19-20 का, और ये आ गया हमारा 21 का। तो इस तरह से ये स्टूडेंट सारे इस ब्रैकेट्स में आने चाहिए। ये ब्रैकेट्स दिए गए हैं यहाँ पर, मान लीजिए अगर 384 हैं, 384 हैं तो ये स्टूडेंट सारे के सारे इस तरह से रेंज में आने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो ये भी बहुत समझने की बात है, आपको समझना पड़ेगा। अब ये वेरिफिकेशन अदर इम्पोर्टेंट इशू में भी आप देख लीजिए, यहाँ पर वेरिफिकेशन बाय सेंडिंग टीम्स, एक वेरिफिकेशन भी किया जा सकता है, और अपलोडेड डाटा है उस पर भी होगा, रिकॉर्ड भी इससे मांगा जा सकता है। तो ये सारी की सारी हैं, नॉन कंप्लाइंस भी है, टाइम टू टाइम अगर आप नहीं करेंगे पूरा का तो डी एफिलिएशन भी कर सकते हैं, एफिलिएशन भी छीन सकते हैं, आपके ऊपर पेनल्टी भी इम्पोज कर सकते हैं। तो डाटा फाइनल कर दिया उसको, फिर दोबारा से रिक्वेस्ट नहीं दी जाएगी करेक्शन के लिए। कम के लिए उन्होंने बोला था कि कम अगर हो रहे हैं तो हो सकता है मे बी, बट ज़्यादा कराना चाहेंगे तो नहीं पॉसिबिलिटी है, इसलिए आप उसके फेर में ना पड़े और आप अपना डाटा सही तरह से ही बनाएं, इसको थोड़ा सा फॉलोअप इसमें करें। कैंडिडेट नोट असेस्ड, मतलब कोई कैंडिडेट अगर नहीं दे ही नहीं पाया है तो इफ़ एनी कैंडिडेट हैड नॉट अपीयर्ड इन एनी ऑफ द असेसमेंट, कोई नहीं कंडक्ट कर लीजिए वहाँ पे, ऑनलाइन ऑफलाइन टेलीफोनिक, उसका रिकॉर्ड आप रख लीजिए। मान लो 10 क्वेश्चन पूछ लिए उनसे तो क्वेश्चंस आप नोट कर लीजिए, आप उसको आप नो अपनी जो डेली रूटीन वर्क है उसमें नोट कर लीजिए। ये टीचर्स कर सकते हैं इस काम को, ये नहीं कि जो फैमिली जो कमेटी मेंबर्स हैं वही, जो टीचर्स जिसके भी क्लास में उनको वो कर देंगे। तो ये रिकॉर्ड रख ले, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जरूर रखना, मैंने आपको पहले भी बताया कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जरूर रखें, ताकि कोई पूछे भाई इस बच्चे का इतने मार्क्स कैसे आए, तो आप दिखा देना मैंने इससे ये क्वेश्चन पूछे थे और इसने आंसर दे दिए तो ठीक है। तो ऑब्जेक्टिवली आप पूछ सकते हैं ईच एंड ऑब्जेक्ट, ये सारे के सारे क्वेश्चंस। डिसेबिलिटी के लिए भी मैंने आपको बताया है कि उनसे कोई भी दिक्कत उनको नहीं करनी है, जो भी उन्होंने पोर्टफोलियो प्रेजेंटेशन प्रोजेक्ट क्विज आदि दिए हैं उसके बेस पर उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उनके मार्क्स दे सकते हैं, और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस यहाँ पे भी रख लो आप। इसको ज़्यादा क्रिटिकल आपने नहीं बनाना है, बिल्कुल सिंपल एंड और टेंशन फ्री होकर आपने इस काम को करना है, ताकि आप आराम से इसको काम कर सकें। अब ये जो है आफ्टर रिजल्ट डिक्लेरेशन, असेसमेंट हैज़ बीन डन बाय द स्कूल एंड आंसर बुक्स हैव बीन शोन हैंडेड ओवर टू द स्टूडेंट बाय द स्कूल, ये बात ध्यान लीजिए। अगर असेसमेंट आपका हो गया है, रिजल्ट डिक्लेरेशन हो गया, तो बच्चों को दे दीजिए वो आंसर शीट। ये बोल रही है CBSE, इसको देखिए ध्यान से समझिए, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, यहाँ पर ये देखिए बोला भी है उन्होंने, अगर रिजल्ट डिक्लेयर हो गया तो आंसर शीट बुक्स दे दीजिए, उससे क्या होगा कि वेरिफिकेशन ऑफ मार्क कुछ भी नहीं होगा आपका, कोई एप्लीकेबल नहीं है भाई, 20 और 21 में वेरिफिकेशन नहीं होगा, वेरिफिकेशन ऑफ मार्क इसमें बिल्कुल भी नहीं होगा। ये मैथ्स के लिए है, मैथ्स का आप इसमें देख लीजिए कि जो बेसिक मैथ्स है वो भी आगे 11th में ले सकते हैं, आपको बता रहा हूँ मैं, कोई भी मैथ्स है वो आगे 11th में कोई भी मैथ ले सकते हैं। स्कूल परफॉर्मेंस, तो ये स्कूल परफॉर्मेंस है, ये 10-5 तक सब्जेक्ट वाइज परफॉर्मेंस वाइज CBSE 10-5-21 तक दे देगी, ये जो परफॉर्मेंस है जो मैंने अभी पॉइंट वाइज बताए थे आपको कि 26 से कम कितने हैं भाई, 40 से कम कितने हैं, 26 से 40 के बीच में, तो ये 10-5 तक दे देगी आपको। फिर सबमिशन ऑफ मार्क आपको देना है भाई 5-6 तक, दिल्ली में यहाँ पे स्पेशल एक लेटर भेजा गया है CBSE को कि थोड़ा सा टाइम दे दें, क्योंकि कोविड की बहुत ज़्यादा परिस्थितियाँ खराब हो गई हैं यहाँ पर, तो टीचर्स की ड्यूटीज लगी है और वो अनेबल है वहाँ पे काम करने के लिए, तो देखते हैं दिल्ली में क्या होगा। ये भी बात उन्होंने कही थी कि हो सकता है किसी रीजन का रिजल्ट बाद में डिक्लेयर हो, तो मे भी हो सकता है दिल्ली का रिजल्ट डिक्लेयर बाद में हो, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो असेसमेंट ऑफ मार्क्स यहाँ पर आपको चढ़ा देने हैं 20 तारीख तक, वो सॉरी 11/6/21 तक, और रिजल्ट हो जाएगा 20/6/2021 तक, जो डिटेल समझ लीजिए। तो यहाँ पर क्या क्या किया गया इन्होंने स्पोर्ट्स में क्या किया, यहाँ पे वही वेबिनार दे दिया एक आज का 6 तारीख का वेबिनार दे दिया, FAQs
इसमें भी FAQs मैं आपको बता रहा हूँ, साथ में एक दो दिन में और FAQs का डिक्लेरेशन आ जाएगा, तब अच्छी तरह से और डिस्कस कर लेंगे। चैनल अगर आपको अच्छी लग रही हो बातें तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है। ऑनलाइन डिटेल ऑफ स्कूल वाइज रेफरेंस ईयर, ये भी आपको मैं बता रहा हूँ, ये भी वो रेफरेंस ईयर के मार्क्स आपको देंगे। एज वेल एज प्रोविजन टू कन्फर्म वेदर द असेसमेंट इज पर बोर्ड पॉलिसी, तो ये भी कन्फर्म किया जाएगा कि बोर्ड पॉलिसी के आकार पर है, आधार पर है या नहीं, और ईमेल भी दे देंगे वो, तो ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी। एक और बड़ी बात है यहाँ पे स्ट्रीम के लिए, देखो ये बच्चों के लिए भी काम की हैं और टीचर्स के लिए भी काम की हैं, इसको ध्यान से समझे आप कि यहाँ पर कोई भी कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, मतलब जो भी अवेलेबल आपके पास सब्जेक्ट है स्कूल में आपको वो कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। मान लो आर्ट के साथ आप यहाँ पर आर्ट के सब्जेक्ट के साथ यहाँ पे मैथ्स प्लस में कर दिया, ठीक है, आप बीच में दूसरे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो आपके स्कूल्स में अवेलेबल है, तो ये डिसाइड करना है स्कूल्स को कि वो कैसे दें। बच्चों के लिए पूरा फ्री कर दिया, यहाँ पे हाँ स्कूल में कुछ प्रॉब्लम्स तो आएंगी भैया, क्योंकि टाइम टेबल बनाने में और दूसरी चीज़ों करने में तो बहुत दिक्कतें आएंगी, लेकिन यहाँ पर स्कूल्स को इसको चेक करना है, स्टूडेंट फ्री हैं। तो ये पिछले साल भी थोड़ा सा इसमें आया था लेकिन पूरा इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था, हो सकता है इस बार ज़्यादा इम्प्लीमेंट हो, तो इस चीज़ को भी ध्यान से देखें आप। कोई क्वेश्चंस आए तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में प्लीज़ आप करें। तो यहाँ पर वेटेज, नाइन्थ की जो वेटेज है वहाँ पर भी वो दे सकती हैं स्टैंडर्डाइज करने के लिए, ये सारी चीज़ें आप देखें। और पीरियडिक एवेशन के आधार पर कर सकती हैं, ओवरऑल एवरेज मार्क्स इन द सब्जेक्ट फॉर द स्कूल इन द बोर्ड एग्जामिनेशन ऑफ द स्पेसिफिक रेफरेंस ईयर, तो उसके आधार पर भी दे सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें आप देखिए और इसको समझिए। और हाँ, प्राइवेट और पत्राचार कैंडिडेट्स के लिए नहीं है ये, ध्यान रखना, उनके लिए ये नहीं है, उनके लिए बाद में भेजेंगे। तो ये थोड़ा सा उन्होंने बताया कि कैसे इसको चेक करें हम। देखिए सबसे पहले रिजल्ट कमेटी बना दी, 5 तक कमेटी बनानी थी, फिर एविडेंस परफॉर्मेंस कलेक्ट कर ली, 10 तारीख तक आ जाएगी। स्टेटस ऑफ ई स्टूडेंट का सारा का स्टेटस आप चेक करेंगे, ये ऐसे चलता रहेगा। फिर आप देखिए फोर्थ, फिक्स द वेटेज ऑफ द ईच टेस्ट एग्जाम, वेटेज आपने चेक कर दी। हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस ऑफ द स्कूल कर दी, सिलेक्ट द फेवरेबल हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस, यहाँ आप इस परफॉर्मेंस को सिलेक्ट भी कर सकते हैं, वो आपको सिलेक्शन के लिए आएगा कि किस आप ईयर को हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस को, मान लीजिए आपकी किसी में ज़्यादा हो, आपको बताया कि किसी में आपकी 70% आई है, किसी में 80% आई, तो उसको भी आप चूज कर सकते हैं। यहाँ पे कंडक्ट आप कर सकते हैं कोई एग्ज़ाम, अगर बच्चे कोई अपीयर नहीं हुए तो, ये सारा का सारा करके और कैलकुलेट आपने कर देना है, ये सारे के सारे करने हैं आपने। अब ये देखो हिस्टोरिकल जो परफॉर्मेंस है, इस तरह से आप उसको कैलकुलेट कर लें, जो भी ज़्यादा है आपको यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेना है, आपके पास आएगा जब आप एंट्री करेंगे। यहाँ पर कुछ हिस्टोरिकल जब आपका बताएगा तो इसको 80 में मार्क्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। साथियों हो सकता है जब वो कन्वर्ट दिखाएं आपको मार्क्स, तो हो सकता है वो 100 में दिए हुए हों, लेकिन यहाँ पे मार्क्स तो अभी कन्वर्ट करने 80 में, तो ये कन्वर्ट करना कोई बड़ी बात आपके लिए नहीं है, क्योंकि अगर वो दिए जाएंगे तो वो 100 में से आपको आउट ऑफ 100 में से दिए जाएंगे, तो आप इसको कन्वर्ट कर लें। और ये फार्मूला दिया हुआ है, जैसे 96 अपॉन में ये 100 इंटू में 80, तो इस तरह से ये मार्क्स आ जाएंगे, और इसको आपने यहाँ पर राउंड ऑफ में कर लेना। तो इस तरह से एक एग्जांपल भी दे दिया, तो ये भी ज़रूरी काम आपका। अब यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ अदर देन 5 सब्जेक्ट, मान लीजिए आपके कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कि आपकी स्टडी नहीं हो पा रही है, उसमें जो कुछ प्रैक्टिकल वर्क है, तो यहाँ पर आपने ये सारे के सारे लेने हैं। और क्या करना है, इनका जो बेस्ट ऑफ के 3 के मीन निकाल लेना है। देखिए तो यहाँ पर आपके आ गए हमारे 75, प्लस माइनस आप इसमें कर सकते हैं कुछ, तो ये इस तरह से आप इसका निकालिए, कंप्यूटर एप्लीकेशन का किस तरह से आप निकालेंगे, तो ये मार्क्स आपका इस तरह से निकल जाएगा। अब वेरिएशन भी प्लस माइनस में आपका हो सकता है, यहाँ पे किसी में 2 नंबर प्लस कर दिए, किसी में 2 माइनस कर दिए, तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं, तो वो 73 ही रह जाएगा। तो यहाँ पर उन्होंने कुछ FAQs बताए हैं,
जो कि बताया है कि सेफ्टी, और सीबीएसई ने बिल्कुल गाइडलाइन बताई कि सेफ्टी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इन्वॉल्वमेंट उनका बच्चों जो टीचर्स का कम से कम रहे स्कूल में और वो ऑनलाइन कर सकते हैं, रिजल्ट कमेटी बनानी है उसमें। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस हैं, काफ़ी इसमें काफ़ी हमने डिस्कस भी कर लिए हैं। हिस्टोरिक ईयर भी चेंज कर सकते हैं, हिस्टोरिक ईयर जो है न्यू स्कूल्स के लिए क्या रहेगा, ये बहुत सारे क्वेश्चंस उन्होंने बताए हैं। इसके FAQs आएंगे साथियों, उसमें पूरी की पूरी डिटेल में बताऊंगा। एक और बात इसमें रहेगी कि ग्रेस मार्क्स की जो पॉलिसी रहेगी वो एज पर प्रीवियस ईयर्स की तरह ही रहेगी, उसमें आपको कुछ नहीं कर सकते। तो मॉडरेट रिजल्ट बनाएगी, स्टूडेंट नोट गिवन, ये एग्ज़ाम दे ही दिया कि एग्ज़ाम दोबारा ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर कोई बच्चे मान लीजिए इस तरह से भी फेल नहीं हो, पास नहीं हो पाते हैं, तो उनके लिए भी कंपार्टमेंट एग्ज़ाम वहाँ पे कंडक्ट किए जाएंगे, स्कूल उनको कंपार्टमेंट एग्ज़ाम करेगा, ठीक है। और रिजल्ट ये सॉफ्टवेयर पे आपने अपने मार्क्स चढ़ाने पड़ेंगे रिजल्ट, तो वहाँ पर आपके मार्क्स हो जाएंगे, वेरीफाई हो जाएंगे कि किस तरह से वेरीफाई करने हैं। तो एविडेंस आपने सारे एविडेंस नोट करते चलने हैं, वो सारे के सारे होंगे ऑनलाइन ऑफलाइन। तो ये कुछ FAQs हैं, इनको आने दीजिए, अच्छी तरह से करेंगे और उन पे बात करेगी। ये जर्मन है या संस्कृत है, पहली बार आए हैं तो उनके मार्क्स कैसे चढ़ेंगे, तो ये क्वेश्चंस काफ़ी हैं और डिटेल्स में आएंगे, ये इन पे हम बात करेंगे बिल्कुल। आपके अगर और भी कोई क्वेश्चंस है तो आप उनको ज़रूर इसमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और ये है कि दो स्कूल में जा सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं जा सकते, एक टीचर एक ही स्कूल में रहेगा, उन पे बर्डन नहीं डालना है। तो ये सारे के सारे स्कूल डबल स्कूल में चार्ज क्या है, ये सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं, इन पे भी हम बात करेंगे। अगर आपके और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं तो हम उनको यहाँ पर लेंगे। और संयम भारद्वाज जी ने बहुत अच्छा इसमें अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया, काफ़ी दिक्कत आ रही हैं, सभी टीचर्स बहुत ही दिक्कतों का सामना कर रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि वो आसानी से इसको करें, और कोई भी प्रॉब्लम्स आए तो वो ईमेल करें या जो भी है कंसर्न पर्सन उनसे बात करें, आपस में स्कूल्स में आप बात कर सकते हैं। तो इस पर एक जो है व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाने की सोच रहे हैं, तो व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे और उस पर हम बात करेंगे सारे की सारे, तो आप इस तरह से बात कर सकते हैं। तो साथियों ये सारे क्वेश्चंस थे आपके, और कोशिश की है इसको सिंप्लीफाई करने की। अगर आपके अभी भी कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और टैकी सर जी को चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको ऐसी लेटेस्ट जानकारियां मिलती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।